बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। PPSC की तरफ से एक नया एडवर्टीजमेंट आया है, एडवर्टीजमेंट 14 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट अनाउंस हुई है वो है जी आपके पास असिस्टेंट की सीट है SNGAD डिपार्टमेंट में। इस सीट को हम मिनी CSS आमतौर पर कहते हैं, आम जबान ज़दाम में सीट होती है और बहुत ज़्यादा वेट जिस सीट का किया जाता है पाकिस्तान में। CSS और PMS के बाद अगर कोई अथॉरिटी वाली सीट है, प्रोटोकॉल वाली सीट है, या समझ लें कि जनाब पावरफुल सीट है, वो यही सीट होती है। तो CSS और PMS के बाद अगर किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो यही सीट होती है। सालों से इन सीटों का इंतज़ार किया जा रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सीटें अनाउंस हो गई हैं। असिस्टेंट की सीट है ये SNGAD मीन के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट की सीट होती है। और इसमें जनाब समझ लें कि आपने 6 से 7 साल की जनाब इसमें सर्विस करके तो आप सीधा CSS क्वालिफाई कर देते हैं। मीन के CSS के 12 पेपर दिए बगैर जो है ना आप जो है ना आप जो ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही पेपर होता है जनाब, आपका 1 पेपर है MCQ 16 नंबर का। इसमें आपके पास जो ना जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, और उसके बाद आपके पास जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस वगैरह, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज वगैरह, 100 नंबर का आपका पेपर होना है। जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी, आपके पास BA, BSc, BCom, BBA, BS किसी भी आपके पास सब्जेक्ट में डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज लिमिट 30 ईयर है, फीमेल की 33 ईयर है। अगर आप में से कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई जॉब कर रहे हैं, आप में से जो इम्प्लाई लोग हैं, तो वो जनाब इसमें उनको एज रिलैक्सेशन मौजूद है। जब वो भर्ती हुए थे, जब वो जनाब किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इन हुए थे, भर्ती हुए थे, तब अगर उनकी एज ना 30 साल से कम थी तो आप जनाब वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेल हजरात। और फीमेल की अगर जब वो भर्ती हुए थे तब उनकी एज अगर 33 थी तो तब तक उनकी जो एज थी वहीं पर उनकी एज स्टॉप है, आज भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीन के जो गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या वो रेगुलर हैं, तो उनकी जनाब एज लिमिट ख़त्म नहीं होती, वो जनाब ओवर एज नहीं होते। फ्रेश लोग जो है ना मेल फेल 30 ईयर और फीमेल 33 ईयर इसमें अप्लाई करेंगे, एक ही पेपर होगा। जस्ट आपके पास 14 साल या 16 साल जो भी डिग्री आपके पास आता है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका तनख्वाह और प्रोटोकॉल के वाले से बात करें तो आपको पता है जो आपकी जो जो ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, जो SC DC या कमिश्नर वगैरह, आप समझ लें कि ये उन्हीं की ही पहली सीढ़ी है। अब इनको मैं फर्दन फर्दन नाम लेके आपको क्या बताऊं कि इसमें गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, इसमें फुल प्रोटोकॉल होता है जनाब, बंदे की अथॉरिटी होती है, बंदे की हर चीज़ वो दुनिया की जो लग्जरी बंदा जो जनाब सोचता है वो सारी चीज़ इसमें मिल जाती हैं। मीन्स कि आपको 12 पेपर PMS और CSS के दिए बगैर अगर आप CSS और PMS के कैडर में दाखिल होना चाहते हैं तो इस सीट के ऊपर आप पूरा जोर लगाएं तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें जो है ना आप अपना जो है ना ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख जनाब इसमें 5 अगस्त 2024 है। 600 रुपये इसकी अप्लाई फीस होगी। अगर आपने अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसका हम अप्लाई भी कर देंगे। और इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से इंशाल्लाह ताला भरपूर सेशन चलाएंगे जी। जैसे आपको पता है पहले भी हमारे पास सेशन चल रहे हैं, तो जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी एनरोल्ड हैं वो तो हमारे ऑटोमेटिक सेशन में एनरोल हो जाएंगे। दोबारा आपको पता हम फीस वगैरह नहीं लेते बच्चों से, तो जो है हम जो जनाब इसका सेशन भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक या दो दिन में हम स्टार्ट कर देंगे और भरपूर सेशन चलाएंगे। इसको कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग इसके जनाब बार बार 3 से 4 दफ़ा रिवीजन भी करें इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से, इसके जब तक टेस्ट नहीं आता तब तक इसको बार बार करेंगे। जो एक्साइज इंस्पेक्टर का टेस्ट भी हमारे पास चल रहा है और इसको भी इंशाल्लाह उसी के साथ ही इसको हम चलाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।